हेलो बच्चों, देखिए बेटा, आज मैं आपकी क्लास 8th की बायोलॉजी शुरू करने जा रही हूँ बेटा। ये बुक जो है वो पियर्सन फाउंडेशन सीरीज़ की है, तृष्णा पब्लिकेशन की है, ठीक है, 8th क्लास के लिए है, ठीक है। चलिए बेटा, अगर मैं इस बुक के कंटेंट की बात करूँ तो देखिए, इस बुक में टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जब मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करती हूँ, देखिए बेटा, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेटा सेल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, सेल थ्योरी क्या होती है, सेल के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सेल में जो डिवीजन है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से मिटोसिस एंड मायोसिस होता है, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जूम इट आउट। देखें, अगर हम आपके चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को देखें, चाहे वो आपके, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। हाउएवर बोथ द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग बींग्स आर कंपोज्ड ऑफ सर्टेन बेसिक केमिकल एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। हम आपके चारों तरफ के जितने भी लिविंग एंड नॉन लिविंग की बात कर रहे हो बेटा, अल्टीमेटली आपने क्या देखते हो बेटा, ये सर्टेन एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं। वो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं बेटा आपके, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दीज केमिकल एलिमेंट्स आर फाउंड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर इन द फॉर्म ऑफ सेल इन द लिविंग बींग्स विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द नॉन लिविंग बींग्स। देखिए, अगर आप लिविंग एंड नॉन लिविंग में बात करते हो तो उसमें क्या देखते हो बेटा, कि यही जो आपकी केमिकल एलिमेंट्स हैं वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, एक प्रॉपर मैनर में इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक है। और यही जो अरेंजमेंट होता है ये आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिवाइड करता है, आपके अलग अलग कैटेगराइज करता है। सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बेसिक की बात करें तो बेटा, ये जो सेल रहती है आपके किसी भी लिविंग बींग की या लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, क्लियर। अ सेल इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मैटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस बाय इटसेल्फ। सेल ऐसी रहती है बेटा जिसमें लाइफ को सस्टेन करने के लिए जिन जिन आपके प्रोसेसेस की जरूरत होती है, वो सारे के सारे प्रोसेसेस इसमें इंडिविजुअली इसमें होती हैं, ठीक है। जैसे कहने का मतलब, हम आगे देखेंगे बेटा कि किस किस तरीके से सेल में कौन कौन से प्रोसेसेस हो रही होती हैं। चलिए पहले हम थोड़ा सेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि कैसे इसकी डिस्कवरी हुई और कैसे क्या था, ठीक है। द टर्म सेल इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेल्यूल, सेल्या, ठीक है, दैट मीन्स लिटिल रूम। द टर्म सेल वॉज कॉइन बाई रॉबर्ट हुक इन 1665, जस्ट अ सेकेंड बेटा, लेट मी, ठीक है, इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको कॉइन किया था, ठीक है। और सेल को ही इन्होंने क्या बोला था, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इट इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ सेल इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल फंक्शंस टू सस्टेन लाइफ। कहने का मतलब क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है, रॉबर्ट हुक ने कॉइन किया था, कब ढूंढा, 1665 में दे ढूंढा था, ठीक है। और जो सेल रहती है बेटा वो सारी जो फंक्शंस होते हैं वो खुद परफॉर्म करने में कैपेबल होती है। डिस्कवरी देखते हैं बेटा, डिस्कवरी कैसे हुई थी, इन 1665 रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप। उन्होंने कॉर्क के एक छोटे से स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर डाला था। ही नोटिस सेवरल स्मॉल कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम। इन्होंने क्या देखा था बेटा, कि जब वो स्लाइस थी उसको माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया था तो उन्होंने क्या देखा था, कि हनीकॉम होते हैं जिस तरीके से, हनीकॉम की तरह उन्होंने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स अज्यूम किए, दिखाई दिए उन्हें, ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, इस फिगर में आप देख रहे हो, ये जो फिगर है इसमें देखिए बेटा, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं ये, और ये बेटा माइक्रोस्कोप था जो रॉबर्ट हुक ने यूज किया था, ठीक है। आगे देखिए, ये तो थी बेटा कि किस तरीके से आपकी सेल की डिस्कवरी हुई। उन्होंने बेटा इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को क्या नाम दिया था, सेल नाम दिया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आ रहा है दैट इज बेटा यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि यूनिवर्ड का मतलब होता है बेटा सिंगल,
मल्टी, मल्टी का मतलब होता है कई सारे, ठीक है। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है बेटा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ, जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल होती है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो कि जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आप देखिए, जो मल्टीपल सेल से मिलके बने होंगे बेटा, उनको हम बोलेंगे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो किससे मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। इन वन केस द सिंगल सेल मे बी कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनिज्म, एंड इन अदर केस एन ऑर्गेनिज्म मे कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स। कहने का मतलब क्या है बेटा, कुछ सर्टेन केसेस में हम क्या देखते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जो किससे मिलके बने होते हैं, सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। कुछ केसेस में ऐसे देखते हो बेटा कि जिनकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मल्टीपल सेल से, मैनी सेल से मिलके बने होते हैं। जो सिंगल सेल से बने होंगे उनको यूनिसेल्यूलर, जो मल्टीपल सेल से बने होंगे उनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। देखिए, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, तो सिंगल सेल से मिलके बने होंगे। इसका एग्जाम्पल है अमीबिया है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये सारे कुछ आपकी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा, तो ऑर्गेनिज्म विद मैनी सेल्स, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या हैं आपके बेटा, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है जो बेटा, दैट इज योर सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है बेटा, सेल थ्योरी वॉज प्रपोज बाय मेथस जेकब स्केलनिन एंड द हेंडोर स्केवन, एंड वॉज लेटर वॉज मॉडिफाइड बाय रदर वर्कोव। द टू मेन पोस्टुलेट्स आर बेटा, इन साइंटिस्ट के बेटा आप सभी नाम याद करिएगा, ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। अब इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, वो आप किसके किस मिलके बने होते हैं, आपके सेल से मिलके बने होते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है बेटा, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट एडिशन टू द सेल थ्योरी वाज मेड बाय रॉबर्ट विको इन 1868, स्टेटेड दैट न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, यू नो दो मेन पोस्टुलेट स्टार्टिंग में क्या थे बेटा, कि सारे ऑर्गेनिज्म आपके सेल से मिलके बने होते हैं, और जो सेल रहती है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। और जो नेक्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने आपके वर्क के जो ओवरकॉन ने ऐड किया था, वो क्या था आपका, कि जो नई सेल बनती है वो पहले से ही जो सेल एग्जिस्ट कर रही है उसी से बनती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको कुछ साइंटिस्ट दे रखे हैं, जैसे रॉबर्ट हुक है, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी, ये सारे आपके जो बगैर आपके और भी साइंटिस्ट के नाम हैं, जैसे गॉल्गी ने आपको बताया था कि जो गॉल्गी एपरेटस होता है वो उन्होंने फर्स्ट टाइम उसी को डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे अलग अलग कुछ साइंटिस्ट के नाम है, ये उनके कॉन्ट्रीब्यूशन है, आई होप आप इनको याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब हम साइज ऑफ सेल की बात कर रहे हैं। सेल थ्योरी क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। सेल क्या है, आपकी बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लाइफ की, ठीक है। और थर्ड पोस्टुलेट वो उन्होंने क्या ऐड किया था बेटा, कि जो आपकी न्यू सेल है वो एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनी होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो आ रहा है, दैट इज योर साइज ऑफ सेल। देखिए, जब आप साइज ऑफ सेल की बात करें बेटा, तो वो आपके आपके माइक्रोस्कोपिक विजिबिलिटी से लेके बड़े ऑस्ट्रिच एग तक हो सकती है। ये अलग अलग डिफर करती है, ठीक है, अलग अलग साइज की आपकी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट सेल आर मिनट एंड आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। बहुत सारी तो क्या होती है, बहुत छोटी होती है, और सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर आपको वो दिखाई देती है। दे आर ओनली अ फ्यू माइक्रोमीटर इन डायमीटर, वो बहुत छोटी होती है बेटा, फ्यू माइक्रोमीटर्स होती हैं आपकी डायमीटर में, ठीक है। उनको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हो। द सेल आर रेंज इन द साइज ऑफ माइक्रोमीटर्स एज लॉन्ग एज 1 मीटर, मीन्स माइक्रोमीटर से लेके 1 मीटर तक इनका डायमीटर साइज जो रहता है वो वेरी कर सकते हैं। दे आर सम सेल विच आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेकेड आइज, कुछ ऐसी होती है बेटा जिनको आप नेकेड आइज के थ्रू भी देख सकते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, फिर ऑस्ट्रिच एग ले रखा है, तो आपके 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 13 सेंटीमीटर वाइड हो सकती है, ये इतनी बड़ी भी सेल होती है, ठीक है। ये बेटा कालाहारी डेजर्ट की फोटो है, वहां पे ऑस्ट्रिच के एग है नेस्ट में,
अब देखिए सॉरी, नेक्स्ट जो है आपका दैट इज योर शेप ऑफ सेल। देखिए द शेप ऑफ सेल वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के बेसिस पे जो शेप है सेल की वो वेरी करती है। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलुमिनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपकी अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। नर्व सेल्स हैव इनलार्ज्ड स्ट्रक्चर एंड दिस हेल्प देम इन कंडक्टिंग इम्पल्सिस क्विकली। ठीक है, तो बेसिकली उनका किस तरीके का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व्स का जो काम है वो पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, इसीलिए वो आपकी क्या रहती है, आपकी बिल्कुल थ्रेड लाइक थिन होती है वो। ठीक है, ताकि वो इम्पल्सिस को क्विकली इजिली कंडक्ट कर सके। ठीक है, सिमिलरली देयर आर सेल्स दैट हैव फ्लेक्सिबल शेप, एग्जाम्पल अमीबा एंड सम ब्लड सेल्स। देखिए अमीबा की जो फ्लेक्सिबल शेप होती है बेटा, वो उसकी अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, आपने डाइजेशन पढ़ा होगा बेटा अमीबा में, कि उसके जो स्यूडोपीडिया जो जनरेट होते हैं वो आपके क्या फूड को इंगल्फ करने के लिए आते हैं, और साथ ही साथ उसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है अमीबा सेल में उसको आउट करने में भी हेल्प करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, उसकी जो शेप है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हुई। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जो आपकी शेप है वो उसके फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग डिफर करती है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ सेल्स दे रखे हैं बेटा, यहाँ पे जैसे आपके ब्लड सेल्स दे रखी है, या आपकी WBC वाइट ब्लड सेल दे रखी है, या आपकी नर्व सेल दे रखी है, और ये आपके कॉलुमिनर एपिथेलियल सेल दे रखी है। देखिए ये आपकी काफी लॉन्ग होती है, ठीक है, और नैरो भी होती है, पतली भी होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है आपका टाइप्स ऑफ सेल। जब आप टाइप्स ऑफ सेल की बात कर रहे हैं, द टाइप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अकॉर्डिंग